दोस्तों, हम अपना इलाज खुद नहीं कर पाते क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है, जबकि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा दिमाग अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकता है। दोस्तों, आज हम इस कहानी में जानेंगे कि अपना खुद का बीमारी हम अपने खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या एक इंसान खुद की बीमारी ठीक कर सकता है? यह सवाल है आपसे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता तो सारे अस्पताल ही बंद हो जाते और हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु यही संदेह हमें बीमार करता है और हम अपना इलाज खुद नहीं कर पाते क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन हम अपना बीमारी खुद ही ठीक कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, जब जंगल में कोई जानवर जख्मी हो जाता है या बीमार हो जाता है तो उसके घाव या बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, हम सभी के दिमाग में एक रसायन पैदा होता है जिससे हमारा शरीर हमारे बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है। हम इस कहानी में उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपना बीमारी स्वयं ठीक कर सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो यकीन मानिए, आपको किसी अस्पताल या किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर आपकी बीमारियों को ठीक करना सीख जाएगा। इस कहानी को ध्यान से सुने। एक बार एक तंदुरुस्त इंसान, जो कि दिखने में बहुत ही हट्ठा कट्ठा था, वह व्यक्ति एक वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य आसपास के क्षेत्र में बहुत मशहूर था। वह वैद्य लोगों के उस बीमारियों को भी ठीक कर देता है जिसको बहुत बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। उनका इलाज करने का तरीका इतना अनूठा था, किसी चीज़ का परहेज करने के लिए नहीं कहते और ना ही कोई दवा देते, इसलिए वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वह व्यक्ति बोला है, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ और चारों ओर आपका ही चर्चा है। आप बिना किसी दवा के ही बीमारी ठीक कर देते हैं, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। परंतु यह किस प्रकार संभव है? बिना किसी दवा के हमारी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? फिर इस व्यक्ति ने कहना शुरू किया, मैं दिखने में एक हट्ठा कट्ठा इंसान हूँ और मैं बहुत मोटा हूँ और इस मोटापे के कारण मेरा शरीर बीमारियों का घर बना हुआ है। कोई कहता है तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, परंतु इससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। उस व्यक्ति ने बताया, वैसे तो हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हैं मैं खुद ही नहीं जानता, जैसे दमा, मेरी सांस फूलने लगती है। इसके अलावा हमारे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, जैसे कि हाथ पांव के घुटनों में जकड़न महसूस होती है, पर कभी कभी हमारे दिल का धड़कन भी बढ़ जाता है जिससे हमारे हृदय गति रुकने का खतरा बढ़ जाता है, और न जाने कौन कौन सी बीमारियां हमारे अंदर घर बना रखी हैं। अब आप ही हमें इस बीमारियों का कोई समाधान बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो दवा खा खा कर थक चुका हूँ। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपना बीमारी खुद ठीक कर सकूं। आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे टीका लेने या दवा की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। फिर वैद्य ने कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो, तुम अपना बीमारी स्वयं ठीक कर लोगे? यह विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है और कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं कर पाते कि वह अपना बीमारी खुद ठीक कर सकते हैं, इसलिए वे खुद का इलाज करना सीख ही नहीं पाते। परंतु जो लोग विश्वास करते हैं कि वह अपना बीमारी स्वयं ठीक कर सकते हैं, वह अपना बीमारी ठीक भी कर लेते हैं। अगर तुम्हें विश्वास हो तो मैं उस तरीके को बताऊं जिस तरीकों को अपनाने से बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई फायदा नहीं। तब वह व्यक्ति उत्तर देता है, यदि हमें विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे यह प्रश्न ही नहीं करता। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बीमारी स्वयं ठीक कर सकता हूँ।
इसीलिए तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। कृपया आप मुझे वह तरीका बताएं जिससे कि मैं अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकूं। वैद्य ने बताया कि हमारा शरीर संकेत में हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उस संकेत को अनदेखा कर देते हैं, शरीर के उन संकेतों पर ध्यान ही नहीं देते। इसलिए सबसे पहले हमें शरीर के संकेतों पर ध्यान देना होगा। और तुम्हें संवेदनशील होना होगा और खुद पर ध्यान देना होगा। वैद्य ने बताया कि सबसे पहला तरीका कि तुम्हें ध्यान करना होगा, और ध्यान से ही तुम अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर पाओगे। इसके बाद तुम्हें पता लगने लगेगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारी जन्म ले रही है, और जब तुम्हें यह संकेत समझ में आने लगेंगे इसके बाद ही तुम अपने बीमारियों को ठीक कर सकोगे। ध्यान के द्वारा ही संवेदनशीलता पैदा होती है जिससे तुम अपने शरीर में होने वाले संकेतों को समझ सकते हो। उदाहरण के तौर पर, जब तुम्हारी सांस फूल रही है लेकिन अब तक तुमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन किसी दिन तुम्हारा ध्यान गया कि तुम्हारी सांस जल्दी फूलने लगती है, तब तुम्हें लगा कि तुम्हें दमा हो गई है। अगर तुम पहले ही अपने शरीर के संकेतों को समझ पाते तो यह बात तुम्हें पहले ही पता लग गई होती और तुम समय रहते ही इसका उपचार करते और यह दमा के रूप नहीं ले पाती। अपने शरीर और दिमाग के बीच एक संबंध स्थापित करो ताकि तुम्हारा दिमाग यह समझ सके कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से यह सब जानकारी मिलने लगेगी कि क्या बीमारी है, तब तुम्हारे शरीर को ठीक करने के लिए अलग अलग काम बताते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आत्मचित्रण की ओर। आत्मचित्रण करने के लिए आपको एक शांत जगह को चुनना होगा। एक स्थान चुनने के बाद उस स्थान पर जाकर उस स्थान पर बैठ जाएं और अपनी आँखें बंद कर लें। फिर आँख बंद करके अपने मन के अंदर वह चित्रण करें कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर है वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। 5 मिनट तक इसी एहसास को बरकरार रहने दें कि आप ठीक हो चुके हैं, और ठीक होने के बाद आप कैसे दिखते हैं वह चित्र अपने मन में उतारने की कोशिश करें। आत्मचित्रण करने के लिए आप संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी आत्मचित्रण के ज्ञान को और गहराइयों तक ले जा सकते हैं। जितना क्लियर आपका आत्मचित्रण होगा, आपका आत्मचित्रण, उतना ही जल्दी आप बीमारियों से मुक्त हो पाएंगे। आत्मचित्रण से जैसा हमने अपने शरीर को सुंदर, स्वस्थ और सुडौल देखा है, दिमाग उसके तरफ आकर्षित होता है और हमारा मन मस्तिष्क उसी के हिसाब से काम करने लगता है और आत्मचित्रण के उस अवस्था तक पहुँचने की कोशिश करता है। और जब हमारा मस्तिष्क उन आत्मचित्रण की ओर आकर्षित होता है, तब हमारा अवचेतन मन अनजाने में हमारी बीमारियों को ठीक करके उस आत्मचित्रण के रूप को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इससे ज़्यादा शक्तिशाली और कोई उपाय हो ही नहीं सकता, और इसका उपयोग करके आप अपने मोटापा को कम कर सकते हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, अपने अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना इलाज के और बिना दवा की सहायता से। हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, परंतु हम इसको समझ नहीं पाते और इसका इस्तेमाल भी करना नहीं जानते, क्योंकि हमें उन तरीकों के बारे में नहीं पता है जिससे हम अपने मस्तिष्क और अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत कर सकें। यह आत्मचित्रण ही मस्तिष्क के और अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने में सहायता करता है। यह आत्मचित्रण सबसे कारगर उपाय कहलाता है, परंतु ध्यान रहे, इन शक्तियों को जागृत करने के लिए उस जगह का शांत और एकांत होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ध्यान की अवस्था में आसानी से जा सकें। और ध्यान करने के लिए आप किसी संगीत या ध्वनि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना के ध्यान की क्रिया करने से एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। यह आत्मचित्रण केवल शरीर के बीमारियों को ही नहीं ठीक करता है, अपितु आप थके हों, आपके शरीर में आलस्य ज़्यादा हो गया हो, कोई काम करने के लिए मन नहीं कर रहा हो, या शरीर में कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा हो, तब भी आपको यह आत्मचित्रण करना चाहिए।
यह आपको जोशीला, फुर्तीला और उमंग बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसलिए सिर्फ आपको ध्यान में आत्मचित्रण करके जोशीला, फुर्तीला और उमंग भरा देखना है। इससे आपके शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होने लगेंगे। और हमारा तीसरा तरीका है, हमें खुद से प्यार करना है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसी बीमारी से तो अच्छा है कि हमें मृत्यु ही मिल जाती। यही निराशा आपकी परेशानियों को और बढ़ा देती है। इस निराशा से बीमारियों को और बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब हम मस्तिष्क और अवचेतन मन में निराशा भरते हैं तो ये धीरे धीरे हारने लगते हैं। जब आप एक ही बात सोच सोच कर मन मस्तिष्क को एहसास करा देते हैं कि आप अपने आप से नफरत करने लगे हैं, आपका खुद अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। जो व्यक्ति अपने शरीर में लाखों बीमारियों के बावजूद भी अपने आप से प्यार करता है, वही व्यक्ति अपने बीमारियों को खुद से ठीक करने की साहस रखता है। आप स्वयं सोच कर देखो, जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप से नफरत करते हैं, वह खुद की बीमारी को ठीक करने की जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे? जो अपने आप से प्यार ही नहीं करते, और जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है वही ध्यान और आत्मचित्रण की गहराइयों में उतर पाता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क इस प्रकार का रसायन पैदा करता है। जिस तरह से हम ध्यान में आत्मचित्रण करते हैं, इसलिए जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर में रसायन पैदा होने से हमारी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। क्योंकि यह बात तो सत्य है कि हमारा मस्तिष्क उन रसायन को हमारे शरीर में पैदा करने की क्षमता रखता है, परंतु हम अपने मस्तिष्क के इस ताकत को समझ ही नहीं पाते, जिससे हमारी बीमारियां ठीक ही नहीं होती। हमें यह सारे प्रयोग खुद पर विश्वास, खुद से प्रेम, आत्मचित्रण, ध्यान, इन सभी बातों का अपने दिनचर्या में बहुत ध्यान रखना है। आप क्या खाते हैं और किस समय खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, योग कब करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ बातें करते हैं, यह सारी चीज़ आपकी दिनचर्या की होती है। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। समय से अच्छा खाना, समय से व्यायाम, समय से योग, यही सब आपके सभी बीमारियों को दूर करते हैं। दरअसल हम बीमार तब पड़ते हैं जब हम अपने दिनचर्या का सही रूप से अनुसरण करना बंद कर देते हैं। तब हम एक अच्छा जीवन नहीं जी पाते। हम अपने दिनचर्या का सही रूप से पालन न करने की वजह से अंदर ही अंदर दुखी होने लगते हैं, और इस कारण से तनाव पैदा होता है, और जब तनाव पैदा होगा तो बीमारी होना निश्चित है। इसके उपरांत जब आप सही रूप से अच्छा खाना खाते हैं, समय से व्यायाम करते हैं, पूरी नींद लेते हैं, तो इससे आपका तनाव कम होता है, और जब तनाव कम होता है तो शरीर में सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं। इसलिए आपको दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से करना होगा। इससे आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी और जीवन खुशी और आनंद से भर जाएगा। उस वैद्य ने उस व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश की कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो, इस पर विश्वास करो और इस पर यकीन करो और इस तरीके का प्रयोग करो जो हमने तुम्हें बताया है, और तुम इसके अंतर्गत काम करके 21 दिन बाद हमसे आकर मिलो, उसके बाद बताना कि तुमने अपने अंदर क्या बदलाव देखा है, क्या बदलाव महसूस किया है, तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हुई या नहीं। यह कहते हुए वैद्य आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।